فاتو کې یو کلی بیلا نومېږي، هغې کې یو واردات سی و تقریبا 13 ډیډ باډي ته موږ ویستلو مړی، او دوه چې کوم وو هغه بالکل غایب وو، لیکن انتظامیه موږ ته درې ورځې بعد را رسېدلې ده. چونکې دا حالات تاسو ولیدل چې دی کې مطلب دی انتظامیه ته خبره او بیا هغوی غور کول، دا زما مشاهده ده. لکه دی کې بالکل دا خبره نشته چې یاره دا زه د چا نه تاریخ اخلم یا څه، که نه او هغه دوه مړي چې دي هغه اوسه پورې موږ ته لا نه دي ملا. یہ تربیتی مشق پاکستان ہلال احمر جرمن ریڈ کراس کے تعاون سے کروا رہا ہے. اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ جو دور افتادہ علاقے ہیں یہاں پہ لوگوں کو اس قابل کر دیا جائے کہ وہ کسی بھی آفت کی صورت میں اپنے علاقے میں اس قابل ہوں کہ وہ اپنے ارد گرد لوگ اپنی اور اپنے آس پاس تمام لوگوں کی قیمتی جانوں کو بچا سکیں، کیونکہ یہ جو علاقے ہیں یہاں پر کسی بھی آفت کی صورت میں کوئی بھی جو امداد ہے یا امدادی ٹیمیں ہیں ان کا پہنچنا، وقت پر پہنچنا بہت مشکل ہے. پاکستان ہلال احمر کا ایک ہی مقصد ہے کہ کسی بھی آفت کی صورت میں لوگوں کو اس قابل بنایا جائے، ان کی ایسی تربیت کی جائے تاکہ وہ کسی بھی آفت کی صورت میں اپنے تمام لوگوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کر سکے، تاکہ جو قیمتی جانیں ہیں ان کا کم سے کم ضائع ہو. ये जो हम यहाँ पर आए हैं ये ज़िले शांगला में यूसी इस्माइल खेल है और तहसील पुरन है. चूँकि यहाँ अलपुरी से लेकर यहाँ तक जो है ये दूर दराज का इलाका पड़ता है. यहाँ पर चूँकि बात ये है कि यहाँ पर जो है दूर दराज की वजह से हम यहाँ पर आए हैं. पाकिस्तान हिला अहमर यहाँ पर काम करते हैं और सिमुलेशन एक्सरसाइज के लिए ये इलाका इस वजह से चुना गया है ताकि ये लोग जो बीमारी आती है या कोई ज़ख्मी हालत में होते हैं या कोई यहाँ पर जो है गिर जाता है तो हम यहाँ पर इस वजह से ये सिमुलेशन एक्सरसाइज करते हैं ताकि लोग जो है बर वक्त अपनी मदद आप करें. और दूसरी बात ये है कि जब यहाँ से जो है लोग मरीज़ को लेके जाते हैं यहाँ से चौगा चौगा से फिर जो है आगे पुरन तहसील, तो इसमें बहुत वक्त जो है ज़ाया हो जाते हैं और इसमें जो है बहुत ज़्यादा तकरीबन जो है मौत वाक़ हो जाती है, अमौत वाक़ हो जाती है. तो इस वजह से इस सिमुलेशन को यहाँ पर इसलिए कराया गया है ताकि बर वक्त ये लोग अपनी मदद आप करें और ये लोग जो है इन चीज़ों में जो है दिलचस्पी रखें ताकि उनको बर वक्त मदद मिल सके. ये बहुत चैलेंज था सर, क्योंकि इधर के ये लोग जो है ना वो गरीब है, ये डेली वेजर्स है और ये सुबह निकलते हैं काम के लिए और कमाते हैं और शाम ये लोग ही खाते हैं. लेकिन पहले दिन जब इधर हमारे ये हम लोग जो आए हुए थे आइडेंटिफिकेशन के लिए, ये एक्सरसाइज़ की जो हमारा डेमो था, जो लोग हमारे पीआरसीएस की जी सारी टीम इधर आए हुए थे और जगह आइडेंटिफाई किया था और ये प्लेट की सिनेरियो क्रिएट किया था कि किस तरह ये किधर से आएगा और इसका सिनेरियो किस तरह है. तो दूसरे दिन सारे लोग सर, लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज था. लोग इकट्ठे हुए थे, लोग दूसरे दिन पे काफ़ी लोग जमा हुए थे ना,
और लोगों को हमने लोगों को एक डेमो किया था और लोगों को ब्रीफ किया था कि हम अपने को जो कुदरती आफात अल्लाह की तरफ से किस तरह आ जाएगा और किस तरह हम सब यानी ये कम्युनिटी किस तरह इसे हम बचा सकते हैं। तो ये लोगों को, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग हमारा ये PRCS जो हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है, जो लास्ट दिन पे जो हम ये इधर आए हुए थे, जो करंट सिनारियो यानी प्लट के जो सिनारियो हम लोगों ने बनाया था, इधर जो एक्सरसाइज हमने स्टार्ट लिया था और एक्सरसाइज जो हम लोगों ने किया था, तो इससे ये लोगों ने काफ़ी मुस्तफीद हुए थे। और ये लोग कह रहे हैं कि ये हमारे लिए नीड है, ये लोगों ने आपने ये इनिशिएटिव पहले क्यों नहीं लिया था कि बेचो या दुल्ट के जैसे ओगट अस्पताल वगैरह दुल्ट निश्ती और जमुन चे कम हेडक्वार्टर या अस्पताल या तहसील अस्पताल कम पुरन चे दे अगर जमुन सिर्फ तहसील ची पुरन कम अस्पताल जमुन दे दिया रखे ना अगर तकरीबन 15 किलोमीटर के लिए परोते दिल तो बचत तिप हवाले सर चाहता दिल तो इलाका की ऑपरेशन दल तक पीछी सीरियस केस रशी लग चाहता वो नो चुकुर गड़ी या मिसाल पता हुआ या बल सदस्य जलजाला की या सैलाब की वगैरह की समता से रशी आगा खल को तमंग असीम बस एड आगा कस पर खाऊ चेहरा चूक चीज सरा वाकिफ हो खो लिहाजा चूक चुप लग डेर पर दे मेडिकल लाइन मैंने पेद आगे बोत हमारा हम पटाई दस्ते के उखड़ो वो कल चिदा दू तासो तो पाकिस्तान हिल अहमद दल तक टीमान जो उखड़ो और पागे के आगो ब्यादा कम मश्क चिदा उस मंगम उको और दे मख के चिदू कम मंग तस उखो दो या आगे के मुता पस एयर ड्रा करो या जमंग के बसान ट्रेन करो नियरा पागे के जमंग डेर ज्यादा इलम के इजाफा उशो जमंग आला कान ट्रेन शो आगो दिस हालत की आगा कम दा कार चिदा पपल अमल के वागस आगे मख के तबू तो जगह स दगा कीगी न आगो उस पागे के खपल आगा पटाई मरहम दस्ते के पस एयर ड्रा कर दस्ते की कोलीशी इससे पहले तो हम ऐसे अनट्रेन थे, देहाती लोग थे, हमारे लिए कोई भी इल्म नहीं था। जहाँ गाड़ी एक्सीडेंट होती थी, सैलाब आती थी, स्लाइडिंग होती थी, जलजला होती थी, तो हम वैसे जिस तरीके से उठाना था वो पता नहीं था, उसी अंदाज से उसको उठा के ले जाते थे। किसी की टांग टूटी जाती थी, बाजू टूटा जाता था, सर टूटा जाता था, कमर टूट जाती थी। तो जब इस ट्रेन से हमारे लिए इतना फ़ायदा हुआ, पहले सोच तो था ये एक अजीब अजनबी लग रही थी, तो अभी ट्रेनिंग करके ये पता चला लोगों की जान महफूज हो गई है, हमारे लिए लोगों को सेव करना आसानी हो गया है। जो एक चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर इन मशकों के दौरान आपने भी देखा होगा कि आपको ख्वातीन का जो किरदार है वो नहीं, उस तरह से नहीं नज़र आ रहा। उसका मसला ये है कि यहाँ पर लोग जो हैं वो बहुत कंजर्वेटिव हैं, वो नहीं चाहते थे कि इन मशकों के दौरान वो बाहर आ सकें। लेकिन उसका जो हल है, क्योंकि जाहिर है कि आफात की सूरत में सिर्फ मर्द हजरात ही नहीं इस डिज़ास्टर से इफ़ेक्ट होते, बल्कि ख़ास तौर से इसका में जो वल्नरेबल होती हैं वो ख़वातीन भी होती हैं, क्योंकि उनका वो एक्सपोजर नहीं होता, उनको वो तमाम सूरत हाल पता नहीं होती। तो उस सूरत में हमने जो घरों में इन तमाम ख़वातीन की तरबियत है वो हमने इस हवाले से की है, और इसी मशक के दौरान हमने इनके घरों में जा कर के उनको ये तमाम सिचुएशन के बारे में बताया कि ये क्यों हम करें, इसका मकसद हमने बताया। और इसके अलावा हमने घरों में उनकी इब्तदाई जो तिब्बी इमदाद है उसके हवाले से हमने मुसलसल उनकी तरबियत की, ताकि उनको ख़ास तौर पर ख़वातीन को ये पता हो कि किसी भी आफत की सूरत में वो किस तरीके से अपने आप को, अपने घर वालों को और जो है बाकी जो अपने आसपास रहने वाले लोग हैं उनको इस आफत की सूरत में बचा सकें।